अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। चलिए आज बनाते हैं बच्चों और बड़ों को पसंद आने वाला एक नया स्नैक जो बनाने में आसान और टेस्ट में लाजवाब हो। चलिए देर ना करते हुए देख लेते हैं वीडियो। सबसे पहले हमें 4 से 5 छीले हुए लहसुन को ग्रेट कर लेना है, यानी कद्दूकस कर लेना है इस तरीके से। अब मैं ले रही हूँ अमूल बटर। अब मैं 2 टीस्पून अमूल बटर लहसुन में ऐड कर दूंगी। अब मैं इसमें चीज़ी गार्लिक ब्रेड मिक्स डाल रही हूँ। ये अगर आपके पास ना हो तो आप ऑरिगानो डाल सकते हो और चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हो। ऑरिगानो भी नहीं है तो आप हरा धनिया डाल सकते हो, इससे भी काम चल जाएगा। करीब 1/2 टीस्पून जितना डाला है मैंने ये मिक्स। अब जो है इन सारी चीज़ों को अच्छे से करेंगे मिक्स। अमूल बटर में पहले से ही नमक होता है, इसीलिए मैंने नमक ऐड नहीं किया है। अब मैं ले रही हूँ अमूल का चीज़ क्यूब, आप स्लाइस भी ले सकते हो। चीज़ क्यूब को ग्रेट कर लेते हैं। आपके पास चीज़ स्लाइस हो तो ग्रेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एज इट इज़ यूज़ कर सकते हो। अब मैंने लिए हैं 2 स्लाइस ब्रेड के। अब मैं इस पर ग्रेटेड चीज़ स्प्रेड कर दूँगी। दोनों ही स्लाइस पे चीज़ अच्छे से स्प्रेड हो चुका है। अब मैं इस पे और एक स्लाइस रख रही हूँ ऊपर। हल्का सा थोड़ा सा प्रेस कर देते हैं इसको। अब लेंगे बटर और गार्लिक का मिक्स, ब्रेड के ऊपर के साइड्स पे अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे बटर को। देखिए ब्रेड्स पे बटरिंग हो चुकी है। इधर हमारा पैन भी गर्म हो चुका था तो मैंने ब्रेड को प्लेस कर दिया, साथ में ही दूसरा वाला भी प्लेस कर देते हैं। अब ब्रेड के दूसरी साइड पे भी बटर लगा लेते हैं। इनको पैन पे प्लेस करते ही इतनी बढ़िया सी खुशबू आती है बटर और गार्लिक की। इनको लो टू मीडियम फ्लेम पे दोनों साइड्स पे गोल्डन होने तक अच्छे से सेक लेना है। अब इनको फ्लिप करके दूसरी साइड्स पे भी सेक लेते हैं। अब ब्रेड अच्छे से सिके हुए लग रहे हैं, गोल्डन ब्राउन कलर भी लग रहा है। सर्व कर लेते हैं इनको। देखिए कितनी आसानी से झटपट से बन गए ये गार्लिक ब्रेड और टेस्ट में भी बहुत ही मज़ेदार है। देखिए चीज़ भी अच्छे से मेल्ट हो चुका है अंदर। आप भी इस तरीके से गार्लिक ब्रेड को बना के इंजॉय कीजिए। आपको मेरी वीडियोस अच्छे हैं लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी दीजिए। फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।